सो प्यारियो सतगुरु पातशाह जी की कृपा दे नाल जिहड़ा जिहड़ा भी उत्थे गुरु साहब जी की दर शरण विच आउंदा है उन्हें हाल हुंदा है। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि जिवें जिवें संगत गुरु साहब सच्चे पातशाह जी के बचन सुनती है उपदेश सुनती है तो हरेक का उद्धार हो ही जाता है, जिहड़ा भी उपदेश नूं प्यारे हिरदे विच वसाई जाता है। बड़ियां संगतां दी श्रद्धा उत्थे वजदी है सतगुरां दे प्रति, बड़ियां दे मनां दे विच प्यार भावना पैदा हुंदी कि मैं भी नाम जपिया करांगा, मैं भी सेवा विच जुड़िया करांगा, मैं अज तों अपने कर्म जिहड़े ने बड़े निर्मल कर लैणे। इदां कईआं दे मनां दे विच प्यारिओ चज अचार बण आए है गुरू साहिब दे दर्शन मेले होण दे करके। उत्थे इन्हां प्यारिओ एक सतगुरु पातशाह जी दे चरणां दे विच बैठा सी रामदत्त, रामदत्त नाम दा प्यारा, ये ब्राह्मण सी वैसे पर प्यारिओ इहनूं रामदत्त किंगरिया करके बुलाउंदे सन लोग सारे। इन्हें भी जदों महाराज सच्चे पातशाह जी दे शब्द सुने बचन सुने तो बड़ा भरोसा बजिया। हुण जिवें जिवें बचन सुनदा जांदा वो बचन मन विच वास करी जांदे ने ते मन ही मन विचारां करी जांदा कि मैं भी इदा नाम जपिया करांगा, मैं भी गुरु दे बचना दे अनुसार लोकां दा भला करिया करांगा ते अपना भला गुरु दे बचना दे नाल करांगा, गुरु दे बचना दे नाल मेरा खुद दा भी भला होएगा। इदा बड़ियां विचारां प्यारियो इहदे मन विच आईआं ते नाल कहिंदा काश किते गुरु साहिब मेरे बाह फड़ लैण ना ते बड़ा भला होएगा। पर प्यारे नाल ही मन विच आउंदी है कि मैं उठ के हुण महाराज नूं कहना नहीं कि सतगुरु मैनूं कुछ देवो, सतगुरु पातशाह ते वड्डा दाता है, इन्हां ने बिना मंगिया ही दे देना। इदां ना श्रद्धा बन के ते प्यारे सतगुरां दे चरणां विच बैठा रहा भावना लै के। तो मैं बेनती करदा हुंदा प्यारिओ आपां बेशक बोलीए जां ना बोलीए गुरु नूं पता हुंदा, तां ही ते बाबा कबीर साहिब बाबा फरीद साहिब जी ने आख्या दिलों मुहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। जिन्हां दे मन विच होर ते मूँह ते कुछ होर आ वो कच्चे ने, नहीं तो प्यारिओ सच्चे बनिया जा सकदा सी, मूँह तो कुछ भी बोले जाओ ते गुरु नूं किहड़ा पता लगना सी अंदर दा। पर इत्थे उन्हां ने दस दिता से कांडे कच्चिया, उन्हां नूं कच्चियां दे विच गिणिया जाएगा जदों नितारा हुंदा, जिन्हां दे अंदर कुछ होर होया ते मूँह ते कुछ होर होया। इस करके सतगुरु परतक है प्यारा, सब दे दिलां दीआं जाणदा। जदों इहने मन बनाया कि गुरु जी आप कुछ मैनूं किरपा करके बख्शिश दे देण, बख्शीश मैनूं महाराज दे देण, प्यारे का गुजारा किवें चलता सी कि सुते सिद्ध जो प्राप्त हो जाए कोई दान दे दिंदा सी उहदे नाल गुजारा करदा सी परिवार का। बहुता लालच नहीं सी मन दे विच आउंदा, पर इत्थे जदों गुरु दरबार विच आया तो अज मंगदा भी नहीं, शरदा बना के बैठ गया। हुण सतगुरां तो कुछ लुकदा नहीं प्यारे, जदों शरदा भावना बना के बैठा मारे समझ गए। तो गरीब नवाज दाता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या रामदत्त जी भाई सिखा प्यारिया कुछ मंग लै, असीं तैनूं कुछ देना चाहते हाँ, मंग कुछ। सतगुरु पातशाह जी की मंगा, जिहड़ी मंग मंगांगा उस मंग दे सहत सहत मंगणहारा भी नाश हो जाएगा। पाव सतगुरु जिहड़ी भी मैं दात मंगांगा वह भी दात भी चली जानी एक दिन, तो जिहड़ा मैं मंगण वाला वा मैं भी एक दिन चलिया जाणा, मैं भी नहीं रहना दात ने भी रहना नहीं। इस करके पातशाह कुछ अमंग होवे ना फिर आ, कुछ ऐसी चीज़ होवे जिहड़ी महाराज अमंग होवे, जिहड़ी भाव मंगा भी ते कोल भी रहे सदा वास्ते। सतगुरु कहन लगे भाई फिर कुछ ऐसा मंग ला जिहड़ा अमंग वाग लगदा तैनूं, जे मंग वाली चीज़ नहीं मंगनी ते अमंग वाली मंग ला। इदां ना इशारे होए जदों सतगुरां पासों बचन होए ते इहने फिर हथ जोड़ ले बड़े चावां दे नाल ते हिरदे दे विचों बैराग दे नाल कहन लगा हे दशमेश पिता सतगुरु जी कृपा करो मेरी बांह फड़ो, महाराज रहमत करके तुसी मेरी बांह फड़ लवो। इदां प्यारे इन्हें जदों सतगुरां नूं आख्या ते सतगुरु कलगीधर पातशाह जी बड़े खुश होए ते महाराज आखन लगे जा रामदत्त
असी अज तो तेरे सारे परिवार की बाँह फड़ी। महाराज कहन लगे अज तो बाद बाँह तेरे ते तेरे परिवार की फड़ ली। सतगुरु फिर एक होर कृपा कर दियो जे बाँह फड़ ली है ना ते दीना नाथ सुनो अरदास एक ये कृपा करो हुण ये बाँह फड़ी होई कदे छड़ियो ना मैं बहुत भारा वा इस करके तुसी कृपा करो महाराज ये बाँह कदे हुण छड़ियो ना। अज तो बाद सतगुरु पातशाह जी कहन लगे जा सदा वास्ते तेरे ते तेरे परिवार दे सी बाँह फड़ी। मर कहन लगे आ लै साडी बख्शिश एक कटार दशमेश पिता जी ने बख्शिश की। मर कहन लगे आ एक घोड़ा भी तेनू दिने नाल। सतगुरां ने कुछ अशरफियां जिहड़ियां उस समय प्यारे माया दे वजों वरतियां जाणियां सन वो अशरफियां दशमेश पिता जी ने उन्हों दित्तियां। सतगुरु महाराज कहन लगे ये लै जावी अपने परिवार दे विच रही तेरे घर विच सदा ही भंडारे भरे रहणगे ते अज तो बाद तेनू कदे वी किते मंगण दी लोड़ नहीं पवेगी। अज तो बाद तेनू कदे वी सतगुरु आखे लगे मंगणे दी लोड़ नहीं प्यारिया सतगुरु सदा तेरे अंग संग रहणगे तेरे घर दे खजाने भंडारे भरे रहणगे। सतगुरु पातशाह जी ने इहदा हथ फड़िया ते प्यारे कूणी दे विच लै लिया कस के महाराज नाल इहदा हथ फड़िया। जदों फिर कहिंदे ने प्यारे इत्थे बस नहीं होई सारी संगत वेख वेख के खुश हुंदी है कि सतगुरां तो जेती जेती मंगन मंगै भावनिया सो पाईआ केती केती मंगन मंगै भावनिया सो पाईआ। किन्नियां मंगा संगतां गुरसिख लै के आउंदे ने भावनी जिहड़ी है मन दी उहनूं सतगुरु पूरी कर देंदे आ। हुण जिथे प्यारिओ इह कहिंदा सी पातशाह जो मंगिआ उह जाण वाला है सतगुरां ने उह वी दे दित्ता ते नाल प्यारिओ गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने बाँह वी फड़ लई ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੇ ਛਡਾ ਲਈ ਆਪੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਂਹ ਛਡਾ ਲਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥਾਂ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਜਿਹਦੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਕਿੰਗਰੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਰਾਮਦੱਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤਾਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦੱਤ ਕਿੰਗਰੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਦਿਆ ਵਰਤਾ ਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।